एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एल्विस भाई के नए गाने पे। एल्विस यादव का नया गाना आ चुका है जिसका टाइटल रखा है उन्होंने बावली, लिटरली। तो लड़की को ही कह रहे होगे बावली। तो बावली मीन्स होता है आई थिंक पागल, मतलब लैंग्वेज हरियाणवी लैंग्वेज में आई थिंक पागल कहते हैं, पगली या फिर पागल ऐसे कुछ होता है। तो जितना मुझे पता है हरियाणवी लैंग्वेज के कुछ गानों को मैंने सुना है, तो उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। अभी अब मैं गलत होंगी तो आप लोग ज़रूर से कमेंट डाउन कर देना, मुझे बता देना कि हाँ मैम यही है, सही है। गाने को गाने वाले का टाइटल में नाम दिया हुआ है डी जे इमोर्टल। तो हमने डी जे इमोर्टल का कोई सॉन्ग नहीं सुना है अभी तक, तो हमें नहीं पता है कि वो कैसा गाते हैं। देखेंगे कैसा गाते हैं वो, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है, ये सारी बातें हम आपको लास्ट में बताएंगे। वीडियो के लास्ट में आपको पता चलेगा कि हमको क्या लगा गाना सुनने के बाद, मुझे कैसा फील आया, मुझे अच्छा लगा नहीं लगा, वो सब मैं मेंशन करूंगी, फुल ऑन रिव्यू दूंगी गाने के ऊपर। तो स्टे ट्यून करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो, एंड पूरा वीडियो देखो, मजा आएगा। इस गोयल जी का नाम भी है तो आई थिंक ये इन्होंने भी कुछ किया होगा, वो हम डिस्क्रिप्शन जब पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है। एल्विस भाई का मतलब लुक वगैरह काफी ज्यादा सही लग रहा है थंबनेल के ऊपर। मैं पिछले गाने पे अगर आपने रिएक्शन नहीं देखा है, हम तो दीवाने सॉन्ग पे मैंने रिएक्शन कर रखा है, वो गाना मुझे बहुत ही सुंदर लगा था। तो वो गाने का सुनने के बाद भाई एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई एल्विस भाई से, एकदम मूवी लाइक लग रहा था। तो मूवी जैसा ये गाना भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, देखते हैं कैसा होता है ये गाना। सो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स रोल साउंड एंड एक्शन। ओके सो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग। वाओ क्या बात है यार, नहीं गाड़ी है, सॉरी बाइक मुझे लगा। तू सोचा गाड़ी में घुमाऊंगा, नो चांस, तेरे पे पैसा उड़ाऊंगा, नो चांस, तेरे नखरे उठाऊंगा, नेवर ऑलरेडी हल्के में सोचा तेरे जाल में मैं आऊं। छोरी बावली हो रही है के, छोरी बावली हो रही है के, छोरी बावली हो रही है के, क्या वाइब है, कैसे करके माने छोरी बावली हो रही है के, अरे बोला था पागल है टाइप बावली, बावली हो रही है, छोरी बावली हो रही है के, इसमें एल्विस यादव की भी आवाज है। ये लाइन यार बिल्कुल परफेक्टली मैच करती है एल्विस यादव को। बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, मजा आ गया यार, लिटरली बहुत ही कमाल का वीडियो था। मैं वीडियो की बात करूंगी यार, क्या कमाल का स्टाइलिश वीडियो था। मतलब स्टाइल क्या देगा, मतलब भाई का स्टाइल देखो, ब्लेजर वेजर एंड साथ में मतलब काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया था। लिटरली मैं बोलूँगी बहुत ही अच्छा लगा मुझे वीडियो। एंड ऑडियो की मैं बात करूँ तो ऑडियो भी काफ़ी ज़्यादा सही था, मतलब बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा था। मैं बिल्कुल वही मैं शौक हो रही थी यार कि मतलब एल्विस यादव के कैरेक्टर एंड एल्विस यादव के हर एक चीज़ से कितना मतलब मैच कर रहा है, ये सारे लाइन्स जो उन्होंने लिखे थे गाने के अंदर, एंड बिल्कुल फुल ऑन रैप चल रहा था। ये डीजी इमोर्टल है उनका, मुझे काम बहुत अच्छा लगा, बहुत ही सही काम, मज़ा आया एंड वाइब आ रही थी और जिस तरह की होनी चाहिए थी ये, मतलब परफेक्टली एकदम जैसे होना चाहिए थे गाने को वैसा ही था। तो मुझे लगता है बहुत ही सही काम किया है दोनों ने, एंड एल्विस भाई की भी आवाज़ थी इस गाने के अंदर, मुझे ऐसा फील आया। सो देखते हैं, हम लोग डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेंगे एंड उसके बाद हम देखेंगे, बताएंगे आपको
तो आर्टिस्ट का नाम है डीजी इमोर्टल एंड एल्विश यादव। ओके, मैंने बोला ही था एल्विश यादव की भी, मुझे ना बीच बीच में ऐसा लग रहा था भाई भी बोल रहे हैं छोरी बावली हो रही है के एज अ टाइप से। अरे भाई मुझे गाना इतना ज़्यादा हंसी आ रहा था ना, पता नहीं क्यों। हरियाणवी लैंग्वेज इज़ रियली स्वीट लैंग्वेज, लेकिन फिर भी मतलब मुझे बावली एंड ऑल दैट ये सारे वर्ड है ना बड़े मतलब मुझे फ़नी लगते हैं। आई डोंट नो क्यों मुझे फ़नी लगते हैं, बट मैंने फ़नी वे में ही आई थिंक इन वर्ड्स को सुना है। एंड बावली होगी के ऐसे करके आई थिंक सुल्तान मूवी में मैंने सुना था ये वाला डायलॉग कुछ ऐसे टाइप से कुछ तो था भाई। सुल्तान मूवी हरियाणवी लैंग्वेज का था कुछ मूवी, तो उसमें मैंने सुना था सलमान खान के सुल्तान की बात करी। ओके, तो यहाँ पे जो म्यूजिक है वो उन्होंने दिया है यावर, तो यावर भाई के लिए क्लैपिंग बनती है। भाई क्या म्यूजिक दिया था यार, एकदम पार्टी वाइब आ रही थी, मज़ा आ रहा था, ऐसा लगा था यार डांस करने का ही बना है ये गाना, डांस के लिए ही बना है, लिटरली पार्टियों में बजाने के लिए बना है। सो मज़ा आ गया भाई, यावर भाई बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाया है। एंड इसके अलावा डायरेक्टर जो थे, मैंने बोला था ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा सही लगी है, तो डायरेक्टर जो थे वो दीपेश गोयल जी है। बहुत ही कमाल का काम, बहुत 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 कमाल का काम। जितने भी आर्टिस्ट गाने के अंदर थे, जो बैकग्राउंड में लड़कियां बोलो, मतलब हर एक चीज़ का प्लेसमेंट, हर एक चीज़, मतलब उन्होंने ऐसी मतलब स्विमिंग पूल में जैसे दिखाया, उन्होंने लड़कियों को लिटरली नचा रहे थे जिस तरह से कैमरे पे उन्होंने शो किया, तो उतना भी वल्गर नहीं था, बट फिर भी थोड़ा बहुत लग रहा था। बट फिर भी मतलब उन्होंने ऐसा गाना ही बनाया था जैसे गाने पर मैच करने लायक बनाया था। आप क्या कर सकते हैं, मतलब लड़कियों के बारे में था दैट कि मैं घुमाऊंगा तुझे, तुझे ऐसे मतलब वो हो गया है क्या, बावली हो गई है क्या, मतलब ऐसा टाइप से था कुछ गाना। तो गाने का जैसा था मतलब सेंस, उस हिसाब से मैं बोलूँगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा था, मज़ा आ रहा था, देखने में अच्छा लग रहा था। तो होप मैं मतलब मैं ये बोलूँगी कि होल सम मुझे वीडियो काफ़ी सही लगा। इसके अलावा डी ओ पी जो थे वो विक्की, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, विक्की, आई डोंट नो, अगर आप मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो सॉरी। बाकी आपका काम भी बहुत सही लगा। कोरियोग्राफर जो है वो अमित सयाल एंड अंकित थापा है, एंड चीफ एडिट प्रतीक बांगिया जी है, एडिटर जो है वो भरत मित्तल एंड दीपेश गोयल जी है, लाइन प्रोडक्शन कुलबीर भाटिया, बैकग्राउंड स्कोर एपी सिंह जी है। सो आई होप कि मैंने सही से सबका नाम लिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं गलत नाउन प्रोनाउंस कर दूँ तो, क्योंकि मैं थोड़ा सा नाउन प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी गड़बड़ कर देती हूँ। बाकी मुझे सबका काम बहुत अच्छा लगा, सबका मेहनत मुझे सब बहुत अच्छा लगा, सब ने मेहनत से ये गाना बनाया है, तो आप सभी लोगों के लिए क्लैपिंग बनती है। बहुत मज़ा आया ये गाना सुन के। एंड छोरी बावली हो गई है कि गाना सुपर डुपर हिट होने वाला है, सुपर डुपर हिट हमारी तरफ से, डबल थम्स अप इस गाने को। एंड डेफिनेटली से इस पे व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एल्विश भाई के जितने भी फैंस हैं वो सभी लोग इस गाने को ज़रूर से देखो। अगर आपने ओरिजिनल सॉन्ग नहीं देखा है अभी भी तो जाके पहले ओरिजिनल गाना उसे देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं ओरिजिनल गाने का लिंक हमेशा दे देती हूँ, तो जरूर से जाके चेकआउट करना। एंड उसके बाद मेरा रिएक्शन देखना। अगर अच्छा लगे मेरा रिएक्शन तो ज़रूर से शेयर करना अपने एक फ्रेंड को, एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसको भी कहना मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, एंड लाइक का बटन क्लिक ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मैं इस वीडियो को यही एंड करूँगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अभी एल्विश भाई के बहुत ही कमाल के गाने आ रहे हैं, तो हम और भी उनके गानों पर रिएक्शन करेंगे। अगर आप और गाने पर मेरा रिएक्शन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा मुझे कि मैं और किस गाने पर उनके रिएक्शन बना सकती हूँ, सो मैं उस गाने पर भी ज़रूर से बना दूँगी। तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हरियाणवी लैंग्वेज में कुछ लिख देना यार, मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है यार, मुझे बहुत मतलब मन करता है कि मैं बोलूँ बट मुझे आती नहीं है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो चलो जल्दी से आप लोग भी कुछ सिखा दो, तो जो भी है हरियाणा से जो भी लोग मुझे देखते हैं प्लीज़ कमेंट डाउन करना एंड कुछ बता देना मुझे हरियाणवी लैंग्वेज में कुछ भी। सो चलिए मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे करका माने चोरी बावड़ी हो रही है के, चोरी बावड़ी हो रही है के, चोरी बावड़ी हो रही है के, रमा का बावड़ी हो रही है के, कैसे करका माने की पहले ही बता दी थी मना तेरे ते, बाबू बेबी सोना नहीं होगा मेरे तक, रहेगी प्यार तो लगा दूंगा।